स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फैंटेसी लीजेंड अखाड़ा में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रज्ञु स्प्लेंडर्स और प्रज्ञु टाइगर्स के बीच में खेले जाने वाले आज के ECS चेकिया T10 मैच के बारे में, जो कि दोस्तों चेकिया T10 का मैच नंबर 20वां खेला जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं लगता दोस्तों, ठीक है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दो। और टेलीग्राम से अभी तक मेरे भाई लोग नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल टेलीग्राम से जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक है, क्योंकि इस मैच से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो टेलीग्राम पे ही मिलेगी आप लोग को, टॉस की हो, लाइनअप की हो और फाइनल टीम की हो, तो सारी इन्फॉर्मेशन। चलिए बात करते हैं फटाफट से मैच के बारे में दोस्तों। तो मैच नंबर 20वां इस चेकिया T10 का PRS और PRT के बीच खेला जाएगा। 8:45 में मैच स्टार्ट होगा। वेन्यू रहेगा दोस्तों चेक रिपब्लिक का, और पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक बैलेंस सरफेस देखने को मिलेगा। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो टोटल 15 मैच इस वेन्यू पे खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट ने 8 मैच, बैटिंग सेकंड ने 7 मैच विन किया है। एवरेज स्कोर आपको 70 से 110 के बीच में देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं टीम PRS के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो PRS की तरफ से आशुतोष आर्या और उनके साथ दोस्तों जिन्नू पानीलट, ये दोनों ओपन करते दिखेंगे। आशुतोष आर्या का दोस्तों देख सकते हैं 11 मैच में 53 रन है, 7 विकेट है, लेकिन परफॉर्मेंस के नाम पे अभी तक उतना अच्छा खासा नहीं है। तो ड्रॉप करके चलने का मेरे का पूरा मन है, 90% मैं इसको ड्रॉप करने वाला हूँ, बाकी आपकी मर्जी रहेगी लेना लेना। जिन्नू पानीलट है और 24 मैच में इनके नाम 151 रन है, ठीक ठाक सही है। 18 नॉट आउट फर्स्ट मैच पे रहे थे, उसके बाद टीम ने इसको मौका भी नहीं दिया था। और दोस्तों इसकी बैटिंग ठीक ठाक लगती है मुझे, बाकी आपकी मर्जी रहेगी लेना लेना। उसके बाद आएंगे काशी बालकृष्णन, T10 के 15 मैच में 75 रन है, अभी तक 25-9-12 की इनिंग खेला है, ठीक ठाक इनिंग खेल सकता है, लेकर के चल सकते हो। उसके बाद आएंगे पर्स भालू दिया, और इनका अभी तक परफॉर्मेंस देखो, यहाँ पे 1 विकेट लिया 2 ओवर डाल के, यहाँ पे 31 रन के 4 विकेट लिया 2 ओवर डाल के, यहाँ पे 12 नॉट आउट के रहा 0 विकेट 1 ओवर डाल के, बाकी ये ठीक ठाक प्लेयर लगा मुझे, तो बिल्कुल इसको तो लेकर के चलेंगे पार्थ भालूडिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रांति वेंकटेश स्वामी हैं, 29-4-11 रन की इनिंग अभी तक खेला है, 40 T10 मैच में 169 रन है, तो बिल्कुल इनको भी लेकर के चलेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। सागर माधी रेड्डी हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करता है, हर अभी तक देखो फर्स्ट मैच में 2 ओवर डाला विकेटलेस रहा, और थर्ड मैच में 1 ओवर डाला विकेटलेस रहा, लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड इसका अच्छा है 23 मैच में 20 विकेट का, तो बिल्कुल इसको ट्राई करना चाहो तो आप GLs में बिल्कुल ट्राई करके चलो, ठीक है। उसके बाद आएंगे दोस्तों धीरज ठाकुर, राइट हैंड बैट करता है, टीम ने उतना ज़्यादा मौका नहीं दिया है तो ड्रॉप करके चलूँगा, बाकी इसका भी एवरेज ठीक ठाक है T10 के अंदर। नीरज त्यागी हैं जो कि 2 ओवर की बॉलिंग कंटिन्यू करा रहा है, यहाँ पे 2 विकेट, यहाँ पे 1 विकेट, यहाँ पे 1 विकेट, तो बॉलिंग काफ़ी अच्छा है इसका, लेकर के चलेंगे नीरज त्यागी, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आएंगे संदीप कुमार, जिनका अभी तक देख सकते हो 2 मैच खेला है जिसमें विकेट टेस रहा है, और उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है, 9 मैच में दोस्तों 3 विकेट इसके नाम है T10 के अंदर, तो आप ड्रॉप करना चाहो तो इसको बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हो, और लेना चाहो तो GL में ट्राई कर सकते हो। विघ्नेश कुमार हैं, यहाँ पे 2 विकेट 2 ओवर डाल के, और यहाँ पे दोस्तों 0 विकेट 1 ओवर डाल के, तो परफॉर्मेंस तो अभी तक 1 मैच में आया है, और रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है T10 के अंदर 10 मैच में 10 विकेट का, तो खेलेगा तो बिल्कुल GL में तो बिल्कुल लेकर के चलना, स्मॉल लीग में भी लेकर के चल सकते हो। उसके बाद आएंगे वरुण सक्सेना, और इनका भी 2 विकेट है 2 ओवर डाल के, जो उनका सेकेंड मैच था उसमें, बाकी दोस्तों इसका ओवरऑल रिकॉर्ड अच्छा है, तो बिल्कुल एक ट्राइबल पिक रहेगा, लेकर के चलेंगे। अभी के लिए आप इनकी टीम से पिक करके चल सकते हो। यहाँ से देखो पानीलट को लेना चाहो तो लेकर के चलना, पार्थ वालुदेह एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पे, क्रांति वेंकट स्वामी इंपॉर्टेंट है, सागर माधी रेड्डी ट्राइबल प्लेयर रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। नीचे से नीरज त्यागी हैं, और यहाँ से देखो विघ्नेश कुमार हैं और वरुण सक्सेना, इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को तो बिल्कुल ट्राई करके चलना आप लोग, ठीक है। बाकी दोस्तों इनके बेंच के प्लेयर में देख लीजिए, यहाँ से कोई भी खेले, जैसे सुहेब वानी हैं तो खेलेगा तो बिल्कुल ट्राइबल रहेगा, जैसे शुभम गुप्ता भी हैं, ये भी एक अच्छा प्लेयर है, खेलेगा तो टीम में रख के चलेंगे। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं बेंच में, अगर इनमें से कोई भी खेलेगा ना तो मैं आपको टेलीग्राम पे सीधा अपडेट दे दूंगा। आदित्य राय परोलू लाइनअप में था तो इसको आप देख लीजिएगा, बिल्कुल ये खेल सकता है, खेलेगा तो इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है। और S रवि भी एक अच्छा प्लेयर है, ये भी खेले तो बिल्कुल इसको भी टीम में ले करके चलेंगे।
बाकी दोस्तों इनके बात करें स्टार्टिंग कवर की, तो नीरज त्यागी हैं, संदीप कुमार हैं, डेथ कवर्स में सागर माधी रेड्डी हैं, नीरज त्यागी हैं आपको बॉलिंग करते दिखेंगे। आगे बात करते हैं टीम पीआरटी के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों पीआरटी की टीम से सागर हुसैन हैं बॉलिंग करेंगे, जीएम और हसनत उनके साथ ओपनिंग आएंगे। ठीक है, सागर हुसैन देखो यहाँ पे बॉलिंग किया है, एक ओवर डाला इसमें विकेट लेस रहा, यहाँ एक ओवर डाला इसमें एक विकेट इसके नाम रहा, ओवरऑल 21 मैच में 318 रन, 12 विकेट है इसके नाम, तो इसको तो ड्रॉप नहीं कर सकते, बिल्कुल टीम में लेकर के चलना है। जीएम हसनत है ड्रॉप करके चलूंगा, परफॉर्मेंस उतना अच्छा खासा नहीं है, रिकॉर्ड भी उतना अच्छा खासा नहीं है। आमिन हुसैन है, इनका 11 मैच में 55 रन है, 0 विकेट है, चार पाँच ओवर लगभग 5 ओवर बोल दो डाला है इसने, लास्ट मैच में 27 रन किया, 0 विकेट, और परफॉर्मेंस उतना अच्छा खासा नहीं आया है, लेकिन देखो 27 रन किया है मतलब बैटिंग उसकी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है। अभी के लिए सामीउल्लाह आलम आएंगे और इनका रिकॉर्ड भी उतना अच्छा खासा नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो 17 रन किया था, बाकी बैटिंग से तो उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है, तो ड्रॉप करके चलूँगा। आई रियाज है, इनको भी ड्रॉप करूँगा, और यहाँ से साकिबुल तनीम है, इनको ड्रॉप करके चलूँगा। साजिब मियाँ है, इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है, T10 के 5 मैच में 62 रन है, 32 का एवरेज है, 3 विकेट 5 ओवर डाल के, लास्ट मैच पे एक ओवर डाला था जिसमें विकेट लेस रहे थे, लेना चाहो तो लेकर के चल सकते हो, बाकी मैं अभी के लिए इनको प्रीफर नहीं करूँगा दोस्तों। उसके बाद आएंगे अजहर आलम, एक गेम चेंजर प्लेयर हो सकता है, T10 के 13 मैच में 7 विकेट इसके नाम है, ठीक है, बाकी लास्ट के दोनों मैचेस में विकेट लेस रहा है, लेकिन बॉलिंग पूरा पूरा किया है, लेकर के चल सकते हो, इंपॉर्टेंट रहेगा, GL में तो बिल्कुल लेकर के चलना आप लोग। प्रेम प्रकाश यादव हैं, अभी तक एक मैच में विकेट मिला जिसमें 2 ओवर किया था, उसके बाद एक मैच में विकेट लेस रहा था, ओवरऑल 12 मैच में इसके नाम 7 विकेट है, ट्रैवल प्लेयर है, बिल्कुल टीम में लेकर के चलेंगे। अकिल विजयान हैं, ड्रॉप करके चलूँगा, परफॉर्मेंस नहीं है ना टीम इसको मौका दे रहा है, और उसके बाद दोस्तों सारिफ अख्तर जुमन है, इनको भी ड्रॉप करके चलूँगा मैं अभी के लिए। इनकी टीम से आप लोग पिक करके चल सकते हो, देखो सागर हुसैन को, जीएम हसनैत को, आमिन हुसैन को लेकर के चल सकते हो, नीचे से आपके लिए प्रेम अजहर आलम रहेंगे एक अच्छे पिक, प्रेम प्रकाश यादव, तो ये 5 प्लेयर लगभग रहेंगे जो ट्राइबल रहेंगे यहाँ से, बाकी इनके बेंच के प्लेयर से कोई भी खेलेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा, सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। बात करूँ यहाँ पर स्टार्टिंग ओवर की, तो अजहर आलम है, सागर हुसैन है, डेथ ओवर्स में सागर हुसैन है, प्रेम प्रकाश यादव बॉलिंग करते दिखेंगे। तो ये तो हो गया प्लेयर के स्टेट्स के बारे में, बात करते हैं डेमो टीम की। तो दोस्तों यहाँ अपन देखें तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको जो इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेंगे, आयर याद देखो ये थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करने आता है तो इसको भी ले सकते हो खेलेगा तो, और ना खेले तो दोस्तों एस तनीम को लेना पड़ेगा आपको, या फिर सौरभ गुप्ता खेलते हैं तो डायरेक्ट इनको पिक करना पड़ेगा आपको। अभी के लिए मैं सौरभ गुप्ता के साथ गया हूँ, अगर ये ना खेले ना तो आप दूसरे किसी प्लेयर को ले लेना। बैटिंग सेक्शन से भालू दिया है, वेंकट स्वामी है, और यहाँ से सागर यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेंगे तो इनको लेकर के जाऊँगा, और ए हुसैन को भी अपनी टीम में लेकर के बिल्कुल जाऊँगा, बाकी के प्लेयर उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। आ जाते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से माधी रेड्डी हैं, रायपरोलू खेले है तो बिल्कुल है, एन त्यागी भी इम्पोर्टेंट रहेगा, और यहाँ से हसनैत को लेना चाहो तो लेकर के चल सकते हो, बाकी मैं अभी के लिए वेट किया हूँ। आर्या को लेना चाहो तो इनको भी ले सकते हो, बाकी मैं बॉलिंग सेक्शन में आता हूँ। पी यादव हैं, इनको लेकर के चलूँगा, और एस रवि अगर खेलेगा, देखो लास्ट मैच ये खेला था ये प्लेयर, ठीक है, मैंने आपके बा उनके बारे में बताया है पीछे वीडियो में, तो ये खेला था, अगर ये इस मैच में खेलेंगे तो बिल्कुल इनको लेकर के चलेंगे। सोहेब वानी भी एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे, इनको भी लेकर के चल सकते हो, अगर सोहेब वानी को नहीं लेना चाहते तो आपके पास वरुण सक्सेना भी एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे, इनको भी ले सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए सोहेब वानी लिया हूँ मैं, तो ये मेरी अभी के लिए डेमो टीम है दोस्तों, और फाइनल टीम नहीं है ये। और बात करूं यहाँ पे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, तो भालू दे एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, नीरज त्यागी भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे, और वेंकट स्वामी अगर ओपनिंग पे आता है तो इसको भी कर सकते हो आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, ठीक है। बाकी दोस्तों मेरी जो फाइनल टीम रहेगी ना वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी विद कैप्टन और वाइस कैप्टन, ठीक है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहीं पे मैं बताऊंगा फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन। अभी के लिए भालू दया कैप्टन रहेंगे और वाइस कैप्टन नीरज त्यागी रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।